ऐसे रास्ते में आज हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। सिर्फ हम है और हमारा बेबी है। कारबुला का गोडाउन इधर और इधर ग्राउंड है, वहाँ पे मंदिर है, मंदिर का भी काम चल रहा है शायद। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख के ही चलना पड़ता है गाइस, क्योंकि ये एनिमल क्रॉसिंग जोन है। 20 का इसमें और इसमें 80 रुपीज का मात्रा पड़ा। यहाँ से सीधा आप जाओगे भूटान, लेकिन सही भी है ना, लड़के लोग गाँव में बहुत स्पीड चलाते। ये वाला से जल्दी से निकलना है। एशिया का सबसे बड़ा नदी सीजन है ना, तो विंटर में पानी नहीं है, लेकिन जब समर होता है फिर। अभी हम आ गए हैं तुलसीपाड़ा टाइम पे। यहाँ पे मतलब गाड़ी वगैरह ठीक से चल नहीं पाता है अगर ज़्यादा बारिश हो जाता है तो। नमस्ते गाइस, जय बजरंग बली। कति चाहिन्छ हैन मतलब 20 1 मिलियन लंका पडा बडा फर्केर आउँदा चाहिँ कति हैन 1 मिलियन 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके आएगा। मेरा फैंस लोग इधर वेटिंग कर रहा है, मैं जल्दी से यहां से निकल रहा हूं। ठीक है भांजी, यहां किसी हो रहा है, छिटो 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 छिटो। ओ लुगा कोला कोला, जय बजरंग बली। अब निकल रहे हम यहाँ से लंकापाड़ा की ओर। दिस इज माई फर्स्ट राइड लंकापाड़ा टूर। मेरा सबसे पहला काम डेवलप कराना है और 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेट्रोल भी लेना है, उसके बाद ATM से कैश निकालना है। हम लोग फॉरेस्ट से होके जाएंगे ना, सीधा हाईवे से नहीं जाएंगे, तो ऑफ रोडिंग ही होगा। तो गाइस ATM से पैसे भी निकाल लिए, अभी करना है फ्यूल अप। साला ATM से पैसा ही नहीं निकल रहा था, मैं सोचा पैसा ही नहीं है मेरे अकाउंट में। कितना का आ गया, 80 रुपये है ना, चलो बाकी इसमें डाल दो, 220 का, 220 का इसमें और इसमें 80 रुपीस का। यह क्या इमरजेंसी के लिए चाहिए? हाँ हाँ पे हो गया। एक बार स्टिकर वाला से पूछते हैं ना, मुझे मन है नितिन इस ब्लॉग लिखाने के लिए एक, लेकिन टाइम नहीं यार, अब तो निकलना पड़ेगा, फिर कभी डालेंगे नितिन इस ब्लॉग। अब यहाँ से जाएंगे कार बोला हवा है क्या, एक बार चेक करा लेते ना, एक बार हवा चेक कर दीजिए ना, कम है। हाँ बस डाल दो। क्या हो गया, क्या हो गया? चैन चैन हो, पेट्रोल सोच रहा था हम तो। ठीक है, हम सोचा पेट्रोल खत्म हो गया, नहीं तो हमारे पास पेट्रोल था ना, थोड़ा दे देता। लास्ट टाइम मैं एक बार गया था उधर से, मतलब ये रास्ता से, लेकिन एक्चुअल में कार वाला जाने वाला रोड फ्रॉम द बिगिनिंग यही है, फुल ऑफ रोडिंग है फुल। देखो इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता। यहाँ से अभी कारबोला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उधर तो और भी मतलब ऐसा ही रास्ता था आगे। अभी से ही हालत ख़राब है, लेकिन मज़ा आ रहा है ऑफ रोडिंग करने में है ना। बट मुझे डर इस बात का है मेरा बेबी का पुर्जा हिल जाएगा ना। ये देखो फाइनली गाइस हम लोग को अच्छे रोड मिल गया अभी। एंड वेलकम टू कारबोला टी स्टेट। कारबोला का गोडाउन इधर और इधर ग्राउंड है, वहाँ पे मंदिर है, मंदिर का भी काम चल रहा है शायद। और ये रहा प्राइमरी स्कूल, यहाँ का सब मुझे देख रहे हैं, हम भी तो हीरो ही है ना। तो अभी यहाँ पे सुसु कर लिया, इधर मुत्रासन कर लिया, और मेरा ये छोटा सा बैकपैक देखो और मेरा बेबी को देखो, मेरा बेबी को भी थोड़ा सा रेस्ट करवा लिया हूँ। रास्ते में कोई नहीं है, सिर्फ हम है और हमारा बेबी है। तो चलो आगे बढ़ते है। ये घने जंगल के बीच में अभी और भी ज़्यादा घने जंगल है आगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख के ही चलना पड़ता है गाइस, क्योंकि ये एनिमल क्रॉसिंग जोन है, गणेश देवता आता है हाथी, तो ये रास्ता पे थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे अभी लोग काफ़ी रहेंगे, लाइक वो लोग लकड़ी वगैरह ढूंढने के लिए आते हैं ना, और उनका गाय बकरी मतलब चराने के लिए लेके आते हैं, चराने को हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं। और गाइस अभी आ गए हम एशिया का सबसे बड़ा नदी। ओ माई गॉड लुक एट दिस, जय बजरंगबली, ये मंदिर भी है। चलो ऑफ रोडिंग का मजे लेते हैं। ए ए गिरेगा नहीं, जय बजरंगबली। ये देखो कितना बड़ा नदी है ये गाइस, देख रहा है पूरा नदी है।
अभी विंटर सीजन है ना, तो विंटर में ये पानी नहीं है, लेकिन जब समर होता है, जब बारिश का मौसम मानसून सीजन रहता है, उस टाइम पे यहाँ पे मतलब गाड़ी वगैरह ठीक से चल नहीं पाता है अगर ज़्यादा बारिश हो जाता है तो। और अंकल जी देखो बेचारा कहाँ से लेके आ रहा है लकड़ी और बकरी के लिए, बकरी के लिए घास। वो कितने मेहनत करते हैं ना, और हम लोग काम करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम कितने मेहनत करते हैं यार। अरे इनको देखो भाई, ये कितना मेहनत करते हैं अभी भी। वो पानी मिल गया यहाँ पे छोटा सा, ये देखो लो बेबी, मेरा बेबी पानी खाऊ थोड़ा। मेरा बेबी ने पानी खाया, बस एक नदी हम लोग हो गए पार। सॉफ्टवेयर जंगल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा गांव। ये मेरा रास्ता कन्फ्यूज हो गया, आई थिंक लेफ्ट लेफ्ट ही है, इधर से तो बीरपड़ा उधर जाएगा। एक बार बाजी को पूछते अंकल, लंका पड़ा है तो बड़ा हजूर हजूर सीधे हो। हुन्छ धन्यवाद, हुन्छ। चलो अब ये मत बोलो कि मैं वीडियो में जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, सच में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा फिर, है ना। पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा यार, पेट्रोल का खर्चा नहीं कराना है। अरे भाई अभी इनकम नहीं, आउटगोइंग सिर्फ है, घर पे हो ना, वहाँ पे तो मैं काम करता था, पैसा भी आता था, अभी पैसा किधर से आएगा। अरे कितना बम्पर है, लेकिन सही भी है ना, लड़के लोग गांव में बहुत स्पीड चलाते और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उनको सेफ्टी रखने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। ये भैया मुझे हेल्प कर रहे लंका पड़ा का रास्ता दिखाने के लिए। ये बाटो हजुर हजुर यता गम्ती जाने, त्यहाँबाट यस्तो गएर चाहिँ दलमर भित्र भएर चाहिँ जान्छ नि, हजुर हुन्छ हुन्छ दादा धन्यवाद। भैया ने मुझे हेल्प किया, अब आपको शायद देखने को मिलेगा। मैं जिस फारस का बात कर रहा था, मैं सोचा इतना जल्दी पार हो गया सब कुछ, लेकिन अभी तो पट्टी शुरू हुई है, ये वाला से जल्दी से निकलना है। ये लंबा है, ये जंगल थोड़ा लंबा है, लेकिन आदमी जाते जाते रहते हैं ना। वो देखो आगे से भी एक भैया जी आ रहे, और ये घने जंगल के बीच आपको मिल जाता है यहाँ पे मंदिर। हाँ मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन स्लो करके चाहे बजरंग बली, ये बजरंग बली अपना साथ है ना। ये आपको सामने पहाड़ दिख रहा है, ये गमटू भूटान ऊपर। ए भाई 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 भाई, ओह भाई 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 भाई। सो गाइज फाइनली हम लोग अच्छे रोड पे आ गए, ये देखो अब आएगा ना मजा वीडियो। गाँव का नाम है माकरापड़ा, यहाँ से सीधा आप जाओगे भूटान। मुझे इधर ही किधर से टर्न तो लेना है, लेकिन किधर से लेना है वो पता नहीं। अरे बहन शर्मा गई, आई थिंक यहाँ से टर्न लेना है, हाँ यहीं से, तो यहाँ से टर्न ले लेते हैं। एक पानी यहाँ से लिया जाए क्या, लेकिन फोन पे नहीं होगा शायद। हजूर बीरपड़ा ए ला हुन्छ। सो अभी यहाँ से आके बढ़ते हम लोग। देखो भाई ऐसे रास्ते में आज हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ए बॉय अब कंफ्यूज हो गया, इधर से किधर है, आई थिंक इधर ही होगा। सीधा रास्ता फॉलो करो, इधर उधर मत देखो, नहीं तो तुम भूटान पहुंच जाएगा भाई। फिर अभी हम आ गए हैं तुलसीपाड़ा, हम गलत रास्ता मोड़ लिया, हमको यहाँ से घुमाना पड़ेगा सीधे। यो बाटो भएर अँ कन्फ्युज हो कि
यहाँ पे मेला लगा था तुलसीपाड़ा में। नितेश भैया तो बोल रहा था मेला लगा है आ जाओ, लेकिन मेरा टाइम नहीं हुआ ना। देखो हरी हरी चाय के बगान के बीच में हम रुके हैं, और हमको कितना हैंडसम दिख रहा है ना, इधर हैंडसम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। अब यार आपका एक कमेंट्स भी देख के है ना बहुत जोश आता है, दिल में जुनून जिगरा फितरा सब कुछ फेरफरा जाता है, पूरा फड़फड़ा जाता है, सीना वगैरह चौड़ा हो जाता है। तो आपका एक कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है गाइस। अगर आप वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो, तो एक कमेंट डाल दो यार। कुछ बहुत हो गया यहाँ पे बेहतर बेहतर। हम लोग सीधा जाते हैं घर, घर जाके खसी का मासू बनाए, खसी का मासू खाते गाइस, ठीक है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए लंकापाड़ा में। और गाइस क्या आप मेरे वीडियो लंकापाड़ा से देखते हो क्या? लंकापाड़ा से देखते हो तो कमेंट पे डाल दो, तो कमेंट्स पे डाल दो हाँ मैं लंकापाड़ा से देखता हूँ और मैं आपका बिग फैन हूँ, बिग फैन। चौक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यादें हम लोगों का। जय बजरंग बली। हम लोग जाएंगे आगे से टर्न लेंगे वहाँ से, है ना। बस हम लोग पहुँचने वाले ऑलमोस्ट। लंकापाड़ा में भी मुझे बहुत सारे रूप पे देख चुके हैं, कभी डांसर होके आता है तो कभी सिंगर, और आज आया है एक छोटा मोटा यूट्यूबर ब्लॉगर। हाँ ये वाला रास्ता है, यहाँ से लेना है टर्न। बस हम लोग पहुँच गए नितिश्ता के घर में। ये आ गए हम लोग फूफू के घर में। फूफू जी भाई नहीं आए ना, एग्जाम था। पहुंचने के साथ ही देखो ये हालत हो गया। मैं जब भी लंकापाड़ा आता हूँ ना, नितेश दा का कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है। साला भूख लग के कैसा हो गया। और ये देखो चेक करो, मैं पूछा था घर में, पूछा था पहले घर में जाएगा बोला था, क्या बोला? नहीं मैं खा के आया, अभी बात में खाएगा बोला ना। बेबी का काम, बेबी का काम। और उधर अपना प्रमोद भैया उधर गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं ना, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आप नितिन इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फिर से नहीं सब्सक्राइब नहीं लाइक शेयर करें।